महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिरों में इसकी तैयारी शुरू होती है। महापर्व शिवरात्रि के अवसर पर सोमवार को मिर्ज़ापुर के बाबा चौन सिंह मंदिर और बर्फखाना स्थित श्री बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव सिद्धपीठ मंदिर में महिला और पुरुषों शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। शिव भक्त घंटों लाइन में खड़े रहकर जलाभिषेक का इंतजार किया और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, दूध, फल, फूल और जल श्रद्धा भाव से अर्पित किया जाता है। इस दौरान मंदिरों में मेले जैसा माहौल नजर आता है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। महाशिवरात्रि का महत्व ज़्यादा होता है। बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर की मान्यता है कि मुक्तिधाम पर होने के नाते इस मंदिर का नाम मुक्तेश्वर नाथ पड़ा। राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर यह धाम पवित्र माना जाता है। सच्चे मन से आराधना करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। इस दौरान मंदिरों में स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुरक्षा कोर की टीमें भक्तों की सुरक्षा में लगे रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शिव भक्त और श्री बाबा मुक्तेश्वर नाथ मुक्तिधाम मंदिर के पुजारी ने कहा, एक दूसरे का सहयोग बना के धीरे धीरे
तेल कोतना होला 20 रुपया पौवा भोले कृपा सबकी बनी रहे, आप सबकी कृपा बनी रहे। अभी बहुत देर से लाइन में लगे हुए, बहुत भीड़ है, बाबा की सबकी कृपा बनी रहे। ये मुकेश्वर नाथ है, यहाँ काफी 10 मिनट से लाइन में लगे हैं, काफी वक्त लाइन में लगे हुए हैं। देखिए वहाँ पर क्या मान्यता है, बहुत महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में काफी वक्त लोग आते हैं। बहुत जबरदस्त मान्यता है यहाँ की, मान्यता यहाँ की यह है कि यहाँ मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है यहाँ मंदिर में पूजा करके। ये महामुक्तेश्वर नाथ का मंदिर है और यहाँ पे जो है काफ़ी अरसे से लोग आते जाते हैं। वैसे तो पूजा यहाँ पे हर हमेशा होता है, लेकिन आज का दिन जो है महाशिवरात्रि पर्व है और यहाँ काफ़ी भीड़ में लोग आते जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ की मुरादें पूरी होती हैं, जो भी मन्नतें मांगते हैं वहाँ यहाँ पे आने पे मन्नतें पूरी होती हैं। और हमने भी आज जो है शिव भोलेनाथ को जो है जलाभिषेक किया और बेलपत्र धतूरा फल वगैरह चढ़ाया, हमें बहुत सुकून मिला यहाँ आके। ये बाबा शिव जी का मंदिर है जो राप्ती रोहिन के तट पर स्थित है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ शिव शंकर भोलेनाथ सबकी मुराद पूरी करते हैं। जो मन में आस्था लेकर के उनसे मांगता है उसकी झोली वो भर देते हैं। मुस्कान, कहाँ पे आई हो आज? हम आज यहाँ पे आए हैं बाबा मुक्तेश्वर नाथ के धाम पे आए हैं। यहाँ पे बाबा जी का वैसे तो रोज भीड़ लगता है, लेकिन आज यहाँ पे यहाँ का महत्व कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आज यहाँ बहुत दिन के बाद आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम जब आए थे तो यहाँ पर बहुत कम था ये चीज़, दुकान उकान कुछ भी नहीं था, ये मंदिर भी ठीक से नहीं बना था। बहुत दिन के बाद आए हैं यहाँ पे, अरे तभी 4-5 साल के बाद आए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ, तो मतलब मैं पहली बार आई और बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ ऐसे मंदिर में मैं पहली बार आई और यहाँ पे अधिक से अधिक भीड़ है फिलहाल के लिए, बहुत अच्छा लगा है। और सुनते हैं कि सोमवार को, हर एक सोमवार को भीड़ तो होता ही है, फिलहाल के लिए आज हद से ज़्यादा भीड़ है, फिर भी अच्छा लगा है। हमें भी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आके, यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है। बाबा मुकेश्वर नाथ आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो हमेशा आते रहते हैं, भोलेनाथ सबका मनोकामना पूरा करें, हर हर महादेव। बेलपत्र, भांग, बैर जो होता है, धतूरा, गुड़, जो भी श्रद्धा है सब चढ़ाएं यहाँ कर, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। काफी भीड़ है मंदिर में, महाशिवरात्रि पर्व है, इस पर्व पर विशेष भीड़ होना स्वाभाविक है, यहाँ भीड़ है। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह होता है, विवाह के पर्व में विवाहोत्सव किया जाता है। हमारी 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे 4 आरतियां होती है रात्रिकालीन, और उसमें भगवान का सजावट होता है, भक्तों के द्वारा वितरण होता है प्रसाद का, यह यहाँ की परंपरा है। मुक्तेश्वर धाम की क्या विशेषता है? मुक्तेश्वर नाथ मुक्ति धाम पर होने के नाते इनका नाम मुक्तेश्वर नाथ है और मुक्तेश्वर नाथ महादेव यहाँ राप्ती और रोहिण के संगम पर आए हैं, बैठे हैं। यहाँ मुक्ति धाम था।